नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रशासन ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। इसी के चलते जिलाधिकारी के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें डीएम रविंद्र कुमार ने मऊरानीपुर तहसील में आयोजन का दीप जलाकर शुभारंभ किया। तो इस मौके पर छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली को लेकर गीत भी प्रस्तुत किया। तो डीएम ने खिलाड़ियों को खेल किट का वितरण किया, तो साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी की, तो लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया। इसी के साथ गरीबों को कंबल का वितरण किया, तो लोगों से मतदान की अपील भी की। देखिए, अगले आने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आज मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मेरा भ्रमण हुआ और इस अवसर पर आपके माध्यम से यहाँ के समस्त जो मतदाता हैं उनसे अपील है कि सब लोग 100% मतदान करें और इस लोकतंत्र की जो मेन ये परंपरा है, प्रक्रिया है, उसमें अपना योगदान दें। हमीरपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों बच्चों के साथ सदर विधायक और भाजपा नेता शामिल हुए। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के खासा इंतजाम थे, तो तिरंगा यात्रा के दौरान महापुरुषों की झांकियां भी इसमें शामिल थीं। इस दौरान सैकड़ों मीटर लंबा ध्वज लेकर छात्रों ने रैली निकाली, तो अमृत महोत्सव के तहत ये आयोजन किया गया था। हमीरपुर के मौधा कस्बे में जब तिरंगा यात्रा सड़कों पर निकली, तो इसमें सैकड़ों छात्रों ने भी इसमें स्वच्छता का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा की जिला सह संयोजक ज्योत्सना सिंह ने इस मौके पर कहा कि यात्रा का आयोजन देश हित में किया गया है, तो साथ ही ये कार्यक्रम राष्ट्र प्रेम को प्रदर्शित करता है। आज ये जो तिरंगा जो हमारा आज हमारे देश में हम लोग जो ये 75वीं आज़ादी स्वतंत्रता महोत्सव जो मना रहे हैं, आज़ादी की जो वर्षगांठ मना रहे हैं 75 वर्ष की, इसी में हम लोगों को ये किसी जाति धर्म समुदाय राष्ट्र मतलब किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये एक देश समाज राष्ट्र हित का कार्यक्रम है और ये हम लोगों के प्रेम एकता और राष्ट्रीयता का सम्मान होता है कि हमारे समाज में हमारे देश में हमारे भाव हमारी श्रद्धा कैसी है। और आज हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत प्रयास किया है कि मातृशक्तियों के द्वारा और सारे भाइयों के द्वारा कि समाज में एक संदेश जाए कि हम जिस राष्ट्र और जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, उन कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। बदायूं के दातागंज में पशुपालन विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली। इस दौरान दातागंज में जहां दो गायों सहित एक श्वान की मौत हो गई, तो वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए, तो साथ ही उन्होंने जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इतना ही नहीं, पशु चिकित्सालय का घेराव करते हुए डीएम से कार्रवाई की मांग भी की, तो डीएम दीपा रंजन के निर्देश पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, तो बजरंगियों ने कार्रवाई की मांग उठाई। इसमें जो है जो तीन चार दिन से जो ये सूचना आ रही है, उसमें जो डॉक्टर देवव्रत तोमर हैं वो एक्चुअल में छुट्टी गए 7-8 तारीख को, उसके बाद वापस नहीं आए हैं और वो भागने की मुद्रा में रहते हैं, जमकर बैठ भी नहीं रहे, यहाँ पे सेवाएं अच्छी तरह से नहीं दे रहे हैं वो। तो इसमें हम उनके जो द्वारा किया गया कुकृत्य है या ये कह लीजिए कि लापरवाही है, उसको हम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे। और दूसरा बिंदु ये है जो गाय कैंपस में मृत पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर एक स्वीपर कम चौकीदार है जिसको दायित्व निभाना चाहिए, उसने अपना पूरा दायित्व नहीं निभाया है, उसके खिलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, कल शाम मुझे सूचना मिली थी, एक गौवंश काफ़ी बीमार नाजुक हालत में था, उसके बाद तत्काल प्रभाव से यहाँ डॉक्टर को कहा गया कि उसका उपचार करें, परंतु यहाँ जो भी संबंधित अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे उनकी नेग्लिजेंस से कल यहाँ एक गौवंश की मृत्यु हुई। उसके बाद मुझे जब सूचना मिली और यहाँ हमारे जब सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ इकट्ठित हुए, तो मैंने CBO साहब को भी तत्काल यहाँ बुलवाया और उनसे सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जितने भी दोषी हैं, मैं यहाँ के LEO डॉक्टर और यहाँ पर जो स्वीकृत जो नाई चौकीदार है उसके खिलाफ, तीनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है। और मैंने AD साहब से भी बात करी है इस संबंध में और उनको कहा है कि वो शायद परसों तक यहाँ आएंगे, यहाँ की व्यवस्था जाए देखेंगे और तत्काल प्रभाव से यहाँ नए डॉक्टर की नियुक्ति भी करी गई है जो यहाँ का पदभार संभालेंगे अगले कुछ समय तक, जब तक यहाँ नए डॉक्टर की तैनाती नहीं होती। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।